नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का न्यू ओवलटेक चैनल में स्वागत है। दोस्तों रेलवे ने निकाली एक और भर्ती। जी हाँ दोस्तों, 2600 से भी अधिक पदों पर ये वे भर्तियाँ निकाली जा रही है, जिसमें 10वीं पास, 12वीं पास और ITI पास कैंडिडेट्स के लिए ये भर्ती निकाली जा रही है। जी हाँ दोस्तों, तो पूरी जानकारी पाने के लिए बने रहें पूरे वीडियो में, और आप सभी से रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहे। यहाँ पर हम आपको रेलवे द्वारा जो भी पल पल की खबरें आती है वो आपको हम वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं, और साथ ही साथ आपको ऑनलाइन फ्री कोचिंग क्लासेस भी देते हैं, जिसमें आपको जनरल साइंस, रीजनिंग और लाइव टेस्ट भी दिए जाएंगे। तो दोस्तों बने रहें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं, अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं, तो वीडियो के नीचे से लाल बटन को फटाफट से दबा दीजिए और घंटे के बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी रेलवे से भर्ती से जुड़ा हुआ आपको वीडियो अपलोड करेंगे वो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और दोस्तों फटाफट से वीडियो के नीचे लाइक बटन को दबा दीजिए और दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, बात करते हैं इस नई रिक्रूटमेंट की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आज का माइंड क्विज क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी। ऑप्शन है सरोजनी नायडू, किरण बेदी, विमला देवी या मदर टेरेसा। तो दोस्तों फटाफट से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स पर टाइप कर दीजिए और बन जाइए आज के स्मार्ट व्यक्ति। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों साउथर्न रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पोस्ट है वो आप देख सकते हैं ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्ट है। यहाँ पर जो वैकेंसी है टोटल वो है 2652। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जॉब लोकेशन है ऑल ओवर इंडिया की रहेगी, और यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो कम से कम अगर आप 15 साल के हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 24 साल के हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 15 से 24 साल के कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी है जो कि मैं आपको नोटिफिकेशन में बता दूंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पे स्केल जो है 19,900 रुपये का रहेगा, और क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं 12वीं और ITI पास यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और लास्ट डेट की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 अप्रैल। जी हाँ दोस्तों, 11 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन एप्लीकेशन परफॉर्मेंस इन रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो दोस्तों यहां पर आपका रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, तब आप इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, और अप्लाई ऑनलाइन के लिए भी आपको लिंक मिल जाएगा। इस वेबसाइट का मैं लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जानकारी लेकर के साथ में नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। नोटिफिकेशन ये है इसका, आप देख सकते हैं यहां पर साफ लिख रखा है जो नोटिफिकेशन है साउथर्न रेलवे का है, यहां पर इन्होंने दे रखी है 12 मार्च को ये डिक्लेयर की गई है। और यहां पर आप देख सकते हैं डेट एंड टाइम ऑफ क्लोजिंग जो दे रखी है 11 अप्रैल है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अप्रेंटिस एक्ट की वैकेंसी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आपको पूरी पोस्ट की अलग अलग ट्रेड वाइज यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कैटेगरी वाइज भी। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। आगे चलने पर देख सकते हैं आप यहाँ पर एज रिलेक्शन देख सकते हैं, यहाँ पूरी कट ऑफ दे रखी है यहाँ पर अपर एज और लोअर एज के अकॉर्डिंग यहाँ पर, तो आप उसके अकॉर्डिंग इस नोटिफिकेशन को देख करके भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। और एज रिलेक्शन जैसे कि आप देख सकते हैं OBC के लिए 3 साल की है, और SC ST के लिए 5 साल की है, और PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 साल की है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आपको जो है जो क्वालिफिकेशन है वो आपको सब यहाँ पर दिख जाएगी, और कितने टाइम का ये जो अप्रेंटिस रहेगी, पीरियड ऑफ अप्रेंटिस की ट्रेनिंग जो है वो रहेगी यहाँ पर 1-1 साल की है। ग्रेड में अलग अलग पीरियड रहता है दोस्तों, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस नोटिफिकेशन को अलग से अच्छे से पढ़ करके फिर आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आज ही हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको हम देते हैं पल पल की अपडेट जो कि सरकारी नौकरी की होती है, रेलवे की होती है, बैंक की होती है, SSC की होती है। तो दोस्तों इन सभी बेनिफिट को पाने के लिए, इन सभी सुविधाओं का लाभ पाने के लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़ना होगा, वीडियो के नीचे से लाल बटन को दबाना होगा और घंटे के बेल आइकन को दबाना होगा, जिससे होगा ये कि हम आपका जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आपके लिए वो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा आपके मोबाइल पर, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर। और दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, आप लाइक नहीं करते तो लाइक कर दीजिए फटाफट से वीडियो देख लिया तो, और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।